हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम करने वाले हैं एन आई यू एस ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स का टी इंग्लिश मीडियम में है ये पूरे के पूरे आंसर सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे आपको आंसर और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया है कि टी कैसे सॉल्व करना है और कैसी शीट्स लगेगी और ऑनलाइन टी एम ए कैसे अपलोड करना है तो उसकी पूरी उनका भी लिंक जो आपको उन वीडियोज़ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको अगर अदर सब्जेक्ट के भी टी ए देखने तो उसकी पूरी प्ले लिस्ट का एन आई एस ट्वेल्थ क्लास टी एम ए की पूरी प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने सारे सब्जेक्ट के टी एम ए आ जाएंगे आपको वहाँ जाना है और सारे सोल्यूशन कर लेने हैं ज़्यादातर चैनल्स पर आपको इसके लिए पे करना पड़ता है टीएमए के सॉल्यूशन के लिए पे करना पड़ता है या फिर उनमें क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो नहीं दिया होता लेकिन मैं आपको सारे चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा वो भी बिल्कुल फ्री में बस आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी और भी नई वीडियोज़ जो है उनका नोटिफिकेशन मिल जाए मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा एग्ज़ाम्स पे से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी डालता हूं मैं तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी टी एम ए कर सके तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट फोर्टी टू तो सिक्सटी वर्ड्स चालीस से साठ शब्दों में आपको इसका आंसर देना है अंडर वर्ड कंडीशन स्ट्रेस स्ट्रेस इज नोन एज ब्रेकिंग स्ट्रेस अ लोड ऑफ़ हंड्रेड के जी सस्पेंडेड बाय अ वायर ऑफ वन मीटर द वायर इज स्ट्रेच बाय ज़ीरो पॉइंट ट्वेंटी सेंटीमीटर कैलकुलेट इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इफ टेंशियल्स स्ट्रेंथ इज नाइन पॉइंट एट इंटू वन हंड्रेड एंड सेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर फाइंड स्ट्रेन इन द वायर गिवन इक जी क्वस्टू नाइन पॉइंट एट इसमें क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो क्योंकि ये जो पावर वगैरह होती हैं ये इसमें डालने में दिक्कत हो गई हो तो आपको क्वेश्चन ढंग से देख लेना और उसमें से उतार लेना है क्वेश्चन नंबरिंग अच्छे से करनी है आपको सोल्यूशन बिल्कुल सही मिलेगा क्योंकि वो हैंड रिटर्न आंसर्स है सारे के सारे हमारे तो ये वाला हमारा आंसर वन हो जाएगा दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लेते जाना और पी पूरा का पूरा पी चाहिए हो तो उसके लिए कमेंट कर देना और या फिर हमारे चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आपको वहाँ पर सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे तो यहाँ पर आइए यह हमारा आंसर नंबर वन एंड होता है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट है ये हमारा आंसर एनी वन ये भी चालीस से साठ शब्दों में इसका आंसर देना एटवर्ड डैप वुट द वैल्यू ऑफ जी बी सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ वट इट इज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दज इट चेंज विद दाइट टू तो ये रहा हमारा आंसर इसका आपको आंसर दिख रहा होगा स्क्रीन पे स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट फोर्टी टू सिक्सटी वर्ड्स इसको फोर्टी इसको भी फोर्टी टू सिक्सटी वर्ड में देने जितने भी हमारे फोर्टी टू सिक्सटी वर्ड्स के आंसर थे वो सारे टू टू मार्क्स के थे इसके बाद जब आएंगे वो फोर मार्क्स और सिक्स मार्क्स के होंगे तो अफम ये हमारा बी वाला पार्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास टू पॉइंट जीरो के जी एंड रीडीएस ट्वेंटी सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स डाया फाइंड एंगुलर स्पीड अबाउट दिस डायामीटर इफ एंगर मोमेंटम इज़ जीरो पॉइंट टू के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स तो यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा आपको तो ये वाला आंसर भी हो गया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फोर अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको हंड्रेड टू वन फिफ्टी वर्ड्स में देना आंसर है ये फोर मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज मीन बाय रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ एनी ड्रॉ सुबल डाइग्राम एक्सप्लेन रोर हाइज क्राइटेरियन फॉर द लिमिट रेजोल्यूशन ऑफ टू वेरी क्लोज लाइन राइट फार्मूला फॉर रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा ये हमारा बी का आंसर डायग्राम भी अच्छे से बना लेना आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये हमारा टेलीस्कोप का हो गया अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फाइव आ गया हमारा इसका भी आंसर हमें वन फिफ्टी हंड्रेड टू वन फिफ्टी वर्ड्स में देना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म वेवलेंथ कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ऑफ अ रेडियो वेव हैविंग इट्स वेवलेंथ ऑफ टेन मीटर प्रोपगेटिंग इन स्पेस तो यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा इसका सबसे पहले वेव क्या होती है वो दे दिया है मैंने इसका आंसर दे दिया इसके बाद इसका ये यह आंसर यहाँ तक है फॉर रेडियो वेव्स वी इक्वल्स टू और नीचे ये जो हमारा ये ये फील एनी पुल लिखा हुआ है ये नहीं लेना आपने यहाँ तक का स्क्रीन शॉट मार लेना आपने ये था पहला हमारा वेव लेंथ क्या होती है उसके बाद ये रेडियो वेव्स क्या होती है तो ये वाला हो गया हमारा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे ये क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी है प्रिपेयर एनी प्रोजेक्ट आउट ऑफ द गिवन बिलो किसी एक पे प्रोजेक्ट है टेक अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन टाई एंड स्ट्रिंग अब आपको ये वाले पिक्चर जो है ये वाली पिक्चर आपको इसमें पेस्ट करनी है तो पहला पार्ट है डू यू फील एनी पुल ऑन योर फिंगर वैन द स्टोन इज रीलिंग तो जब आप फिंगर पे घुमाओगे किसी रस्सी को पत्थर बांध के तो क्या होगा आपकी उंगली हिलेगी तो वही बताना तो, है तो यस लिख दिया इसका आंसर इसके बाद हमारा बी आ जाता है ऑब्जर्व द पाथ ऑफ स्टोन इफ़ द स्ट्रिंग ब्रेक सडनली विल इट कंटिन्यू टू मूव इन द सेम सर्कुलर पाथ और विल चेंज द पाथ कि अगर आपकी रस्सी वहाँ से टूट जाती है तो क्या होगा वो एकदम सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा या अपनी जगह छोड़ के पाथ चेंज कर लेगा और एक्सप्लेन करना अपने आंसर को तो इसका आंसर हमारा ये मिल जाएगा स्क्रीनशॉट मार लेना आप आई होप आपको सारे आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे वीडियो को लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर कर देना थैंक्स फॉर वॉचिंग अस हैव नाइस डे